अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जायका हाउस। जायका हाउस में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सूप। ये बहुत ही टेस्टी सूप है, इस विंटर के मौसम में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चिकन सूप कैसे बनेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चिकन सूप बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg बोन वाली चिकन है, ये 1/2 kg मैंने इसे लिया है। और ये चॉप अदरक लहसुन है, मोटा मोटा इसको चॉप कर लिया है मैंने। 3 से 4 लहसुन के जवे हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, नमक आप अपने हिसाब से डाल देंगे। 1/2 शिमला मिर्ची है, इसको मैंने चॉप कर लिया है मोटा मोटा। पत्ता गोभी छोटा सा एक ले लेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून, इसको भी चॉप कर लिया है मैंने। 1 मीडियम साइज़ की गाजर को चॉप कर लेना है। 1 टेबल स्पून स्वीट एंड सार सॉस, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 अंडा, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस नहीं है तो आप लाइट वाली जो होती है उसे आप 2 टेबल स्पून लेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस। हरी प्याज है 2 से 3 मैंने लिए हैं और 2 हरी मिर्च ने मैंने चॉप कर लिया। सूप बनाने के लिए पहले हम यखनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें 5 कप मेजरिंग कप जो होता है उससे 5 कप पानी रखा है, पानी बॉईल हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। थोड़ी सी हरी प्याज डालूंगी। थोड़ी सी गाजर डालूंगी। थोड़ा नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे अभी। और 1 अदरक का टुकड़ा 1 इंच का इसको ऐसे ही डाल दूंगी मैं। अब इसको मिक्स करूंगी और जब ये उबाल पर आ जाएगा, ये उबलने लगेगा अच्छी तरह से, तो मीडियम फ्लेम कर दूंगी और आधा घंटे तक इसे मैं पकने दूंगी ताकि चिकन भी गल जाए और अच्छी तरह यखनी बन जाए। आधा घंटा हो चुका है, यखनी तैयार हो गई है। अब मैं यखनी को अलग छान लूँगी और चिकन के पीस को निकाल कर, जो उसका गोश्त है उसको निकाल कर मैं श्रेड कर लूँगी। मैंने यखनी छान ली है, मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर वापस। अब मैं इसमें यखनी वापस से डालूँगी, ये यखनी जो मैंने छाना है। अब इसमें डालूँगी चिकन, ये जो चिकन मैंने अलग की थी। और चिकन को बहुत ज़्यादा बारीक श्रेड नहीं करना है, थोड़ा बड़े बड़े पीस ही हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने हड्डी अलग कर दी है और ये अलग कर दिया है। इसमें चॉप अदरक लहसुन डालूंगी। हॉट एंड सार सूप, काली मिर्च का पाउडर, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस। अगर आपके पास स्वीट एंड सार सॉस नहीं है तो आप हॉट एंड सार भी डाल सकते हैं। गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च, बंद गोभी डालेंगे। ये ज़्यादा है इसलिए मैं सिर्फ आधा ही डाल रही हूँ। इसे मिक्स करके थोड़ी देर पकने दूंगी, 1-10 मिनट तक इसे मैं पकने दूंगी। सूप में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक जो सॉस हम डाले हैं, स्वीट एंड सार सॉस और सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, ये सब में भी नमक होता है, तो और चिकन में भी नमक हम डालें तो थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और जो 2 हरी मिर्च मैंने ली थी ये डालेंगे और 10 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकने दूंगी ताकि जो गाजर और पत्ता गोभी है वो हल्की सी नरम हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी अंडा।
ये जो एक अंडा मैंने लिया था इसे फेंट लिया है, इसे अब मैं डालूंगी। थोड़ा सा चलाऊंगी, थोड़ा सा अंडा पकने दूंगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, अंडा पक गया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था, थोड़े से पानी के साथ मैंने इसे घोल लिया है। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसे एक हाथ से हम डालेंगे और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते रहेंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पूरा कॉर्नफ्लावर जाए, सूप की तरह गाढ़ा हो जाएगा तो हम कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे। थोड़ा सा मैं और डालूंगी बस, 1 मिनट के लिए इसे पकने दूंगी। उसके बाद चूल्हा मैं बंद कर दूंगी, थोड़ी सी हरी प्याज डालूंगी। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी सूप बनकर तैयार हो गया है। ये खट्टा मीठा तीखा सारे फ्लेवर हैं इसमें, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अपने घर वालों को इसे ज़रूर खिलाइए इस मौसम में। और तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। और इसे ये क्रंची नूडल्स के साथ आप खाएंगे तो ये और भी टेस्टी होगा। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।